सर पम्मी का कैरेक्टर बहुत दिलचस्प था और उसके जो डायलॉग्स थे ना सर मतलब जब एक एक डायलॉग आता है उसका खासतौर पर जब वो पीने बैठ जाता है और छत पर उनके जो सेशंस चलते हैं मतलब उसमें तो हिमांशु जी ने जो है एकदम मतलब दर्शकों की नब्ज तक पहुंच गए वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है हिमांशु इतने, इतने तो डायलॉग्स की भी नहीं होती। वो उस, उस के अंदर से अपने आप ऐसे डायलॉग्स निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोसेस रहा है ना नया चाहे वो किरदारों को लेके हो वो इतना जिसका कहना की बहुत दोस्ती भरा एटमोस्फियर होता है सेट पे Uh, मुझे हमेशा लगता है कि जो सेट का एटमॉसफियर है जब फिल्म बन रही है उस वक्त आपको जैसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं वो मीडियम कैप्चर कर लेता है अगर मुझे कोई फिल्म बनाते वक्त मज़ा नहीं आएगा ना तो मुझे हमेशा लगा है कि वो ऑडियंस को कभी मज़ा नहीं देगी तो मैंने कभी वो फिल्म नहीं बनाना चाहूँगा कि जिसमें वो बात वहाँ तक ना पहुँचे तो वो जो कैरेक्टर्स वो जो डायलॉग्स की आप बात कर रहे हैं हमें कभी वो डायलॉग्स नहीं लगे हमें वो बहुत अपने से लगे हमें, हमें हमेशा लगा कि ये Uh, जब भी ऑडियंस इसे देखेगी तो वो अपने आप को उसी दुनिया में पाएगी मैंने कभी भी जब थिएटर में आप फिल्म देखते हैं ना जब मैं अपनी फिल्म खुद बैठ के देखता हूँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ट्रांसफर हो जाना चाह चाहता हूँ स्क्रीन पर तो वही मैं अपनी ऑडियंस के लिए करना चाहता हूँ जब वो फिल्म देख रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि वो उस घर का हिस्सा है सर हैप्पी भाग जाएगी मन मर्जिया मनमर्जिया का मैं इसलिए जिक्र करूंगी क्योंकि काफी ऑफ बीट फिल्म थी वो ऑफ़ बीट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा था एक्स्ट्रा मैटरल अफेयर लोग दिखाते हैं अपनी अपनी फिल्मों में लेकिन आपने उसे एक अलग तरीके से पेश किया एक अलग लाइट में उसे पेश किया आपने उसे ना तो ग्लोरीफाई किया ना उसने उसे आपने डाउन साइज किया आपने जैसा होता है वैसा दिखाया कि अगर एक महिला की शादी हो भी जाती है और वो किसी से प्रेम में है तो वो क्या करेगी वो किस थॉट को फॉलो करेगी जब आप इस तरह की पिक्चरें बनाते हैं जिसमें समाज से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है कभी आपको ये डर लगता है कि हाँ लोग ये कहेंगे कि भाई आनंद एल राय ने क्या बना दिया ये तो गलत प्रेरणा दे रहा है ये तो महिलाओं को ऐसा कह रहा है कि हाँ अपनी थॉट को फॉलो करो भले ही शादी किसी से भी हो जाए एक्स्ट्रा मैरिटल कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आपको कभी ये चीज़ें जहन में आती हैं या परेशान करती हैं कि फ्लो के साथ तो मैं जा रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि सामाजिक परिवेश में वो फिट ना बैठे मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आपको कि जब आप आप फिल्म बनाने उतरते हैं ना और आ, लोगों को ये लगता है कि ये जो कैमरा है ये जो इस वक्त सामने चल रहा है वो कैप्चर करेगा आप रोल साउंड एक्शन बोलते हैं और कैमरा चलने लगता है और जो उसके सामने हो रहा है वो, वो वो कैमरा कैप्चर करता है पर मेरा एक और मानना है वो कैमरा ना उसके साथ में बैठा जो डायरेक्टर है उसकी नीयत भी कैप्चर करता है उस वक्त जो नीयत में है ना वो भी दिखता है उस पर्दे पे। तो जब मेरे मन में वो फिल्म बनाते वक्त जो चल रहा है जिस वजह से वो मैं फिल्म बना रहा हूँ उसके पीछे जो जो रीजन है वो आ, वो कैमरा ले लेता है सो so, जब मैं ये कहानी भी चाहे वो रांझणा हो या मनमर्जियाँ हो या शुभ मंगल सावधान हो आ, जब मैं वो बना रहा होता हूँ उसका हिस्सा होता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ जब अब जैसे आपने मनमर्जियाँ की बात की तब मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं ये जो एक्चुअली हम लोग हैं कौन हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं पर हमारे भी हम भी प्रोग्रेसिव हैं कुछ चीज़ें है हमारे अंदर भी हर साल हर दस साल पाँच साल हर जनरेशन के साथ बदल रही है तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास ये मीडियम आया है और मेरे पास एक तरीका है कंट्रीब्यूट करने का और एक सर्टन ग्रोथ का और एक प्रोग्रेस का तो क्यों ना मैं अपनी कहानियों में उसको लेके आऊँ तो मेरा भी यही मन करता है कि वही जो हम लोग हैं कितनी बातों को आज नहीं तो कल जो हमें एक्सेप्ट करनी है जिसके अंदर ग्रोथ है वो हमें कर लेनी चाहिए तो चाहे वो मनमर्जियाँ हो या इवन इन इन अ कॉमिक स्पेस शुभ मंगल सावधान हो वो था एक्सेप्टेंस या हैप्पी भाग जाएगी मतलब हर चीज़ के पीछे जो आपकी वजह होती है एक मेकर की वजह होती है वो भी दिखती है और अगर उसके अंदर कोई खोट नहीं है तो वो आपकी ऑडियंस तक वैसे नहीं पहुंचती वो बिल्कुल उसी साफ नीयत से पहुंचती है